नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। VSDC अनइंस्टॉल करने का सही तरीका आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने इंस्टॉलेशन किस तरह से कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया है। अब ये VSDC जो है वो किस तरह से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं ये बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के लिए जाने के लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल पैनल शो होगा, आप इसे ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने विजार्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ इस ऑप्शन पे, ठीक है। अब प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करिए। आप जैसे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। अब यहाँ पे देखिए VSDC फ्री वीडियो एडिटर वर्जन 8.23.477 है। अब आपको इस पे राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, आप उसे यस कर दीजिए। ये सिंपल स्टेप आपको पहले इनिशियल लेवल पे फॉलो करनी है। तभी हम यस कर देते हैं यूजर अकाउंट कंट्रोल को। यस करने के बाद में कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने शो होगा। आप जूम करके आपको बता देते हैं, VSDC प्री वीडियो एडिटर अनइंस्टॉल, आर यू श्योर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव VSDC प्री वीडियो एडिटर एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद में ये आपका जो अनइंस्टॉल प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है ऐसा आपको यहाँ पे लगता है, लेकिन ये अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। इसके लिए आपको ये जब मैंने इंस्टॉल किया था इसका एक फोल्डर बनता है प्रोग्राम फाइल में, उस फोल्डर का नाम है /intergrow। तो यहाँ पे आपको ये जो इंटरग्रो है प्रोग्राम फाइल जो होता है इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है। ध्यान दीजिएगा, इस फोल्डर को आप डिलीट कर दीजिए कंटिन्यू पे क्लिक करके। इससे क्या होगा, अब आपका जो VSDC सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। अब आप एक बार PC को रिस्टार्ट कर दीजिए। आप रिस्टार्ट करेंगे तो आप में जो अनइंस्टॉल किया है VSDC को वो प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल हो जाएगा, और बाद में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।